हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के दबंग 3 के सेट पर शूटिंग के दौरान शिवलिंग को लकड़ी के तख्त से ढकने का मामला राजनीतिक रूप से गर्म हो गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद सलमान ने खुद आगे आकर सफाई दी है। आपको बता दें, बीजेपी वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, खान साहब वंदे मातरम कहने पर जब आपका धर्म खतरे में आ जाता है तब आपने कैसे सोचा कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर महेश्वर पहुंचकर शिवलिंग पर चारपाई बिछाकर उनके सर पर नाच करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल भी किया कि क्या आप ऐसे कार्य का समर्थन करते हैं। वहीं एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग की प्रमुख शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी नेताओं का संकीर्ण मानसिकता है। उन्होंने कहा, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं की छोटी सोच के कारण राज्य ने पार्टी के 15 साल के शासन के दौरान विकास नहीं देखा। मामला बढ़ते देख सलमान खान को इस मामले पर सफाई देनी पड़ी। सलमान ने कहा, शिवलिंग की सुरक्षा के लिए बॉक्स लगाया गया था। मैं स्वयं बड़ा शिव भक्त हूँ, आप शूटिंग नहीं करने देना चाहते तो तुरंत पैकअप करके चला जाऊंगा। सलमान ने कहा, मेरे दादा यहाँ पुलिस अधिकारी रहे हैं, अपना घर समझकर आया हूँ। मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता मगर महेश्वर का नाम हो इसलिए लगातार फोटो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।